सरकारी खजाने को सीधा सीधा जो है वो चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो आज सीबीआई ने यहाँ पर रेड कर जो है भांडा फोड़ दिया है। बिग ब्रेकिंग लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस समय मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हूं और हमारे पीछे अगर बात करें तो ये लगेज डिलीवरी सेंटर है रेलवे स्टेशन के अंदर। और एक बार चाहूँगा विजुअल्स के ज़रिए दिखाने के लिए कि यहाँ पर फ़िलहाल 50 बंदों की टीम सीबीआई की यहाँ पर पहुँची है और कहीं ना कहीं उनको ये खबर थी कि यहाँ पर जो लगेज आता है, बाहर से जो माल आता है और वो माल की क्वांटिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है और जो बिलिंग रहती है वो कम रहती है। अगर जम्मू रवि तभी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर तमाम जगहों पर जो है सीबीआई के तमाम अधिकारी मौजूद हैं ताकि यहाँ पर अभी रेड चल रही है और किसी को भी मौका ना मिले यहाँ से सामान जो है आगे पीछे हेर फेर करने का, किसी को मौका ना मिले। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सीबीआई के जो अधिकारी हैं मौजूद हैं और लगभग 50 लोग यहाँ 50 सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक सामान को जो है वो खंगाला जा रहा है। और जिस तरीके से इनके पास खबर थी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करें, जो भी सामान बाहर से आता है उसकी कहीं ना कहीं बिलिंग जो है वो कम होती है, लेकिन सामान जो है वो लगेज ज़्यादा आता है। अभी तो फिलहाल आप देखिए तमाम लोग जो हैं, चाहूँगा थोड़ा सा हम आगे आपको लेकर चलें। तो ये आप देखिए, ये पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और विजुअल साफ तौर पर आप देखिए, ये इस समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी खबर आपके पास लेकर आ रहे हैं। और यहाँ से सीबीआई की टीम को जो है जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाहर से जो भी सामान आ रहा है वो सामान की बिलिंग जो है वो कम है लेकिन क्वान्टिटी ज़्यादा है। हालाँकि बहुत से सामान को खोल कर चेक भी किया जा रहा है और बिलिंग साथ साथ खंगाली जा रही है, बिल जो है उसके साथ सारा सामान मिलाया जा रहा है। तो ये कई बार इस तरह की खबरें सीबीआई को आई हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो 50 बंदों की टीम आप देखिए हर जगह जो है सीबीआई के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और ना सिर्फ यहाँ पर सामान की छानबीन की जा रही है लगेज डिलीवरी ऑफिस के बाहर, इसके साथ साथ जो है तमाम जगहों पर रेलवे स्टेशन के जितने भी गेट पड़ते हैं वहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ से कोई भी अगर ज़्यादा मात्रा में सामान आया है तो वो सामान यहाँ से बाहर लेके ना जाया जाए, कि यहाँ से अगर सामान ज़्यादा है, बिल के साथ मेल मिलाप नहीं होता तो यहाँ से सामान बाहर ना जा पाए। तो तमाम अधिकारी तमाम गेटों पर मौजूद हैं और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि लगभग 50 के आसपास जो हैं सीबीआई के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम लगेज जो लगेज डिलीवरी ऑफिस है उसके बाहर जितना भी सामान बाहर से आता है पार्सल कार्यालय के बाहर, बिल्कुल पार्सल ऑफिस के बाहर जो है टीम इस समय जो है अपनी तसल्ली कर रही है। बिल्स वगैरह उनके हाथ में है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बिल के साथ जो है सामान को मिलाया जाए, तो ये इसी तरीके से जो रहता है। और सबसे बड़ी खबर इनके पास खबर पहुंच रही है सीबीआई के अधिकारियों के पास कि यहाँ पर जो है पार्सल ऑफिस में जितना भी पार्सल बाहर से सामान आता है थ्रू ट्रेन के ज़रिए उसमें कहीं ना कहीं जो है बिलिंग कम और सामान ज़्यादा आता है। उस चीज़ की पुष्टि करने के लिए जब पूरी टीम यहाँ पर पहुँच रही है, लगभग 40 से 50 सीबीआई के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तसल्ली कर रहे हैं और ना सिर्फ यहाँ पर तमाम जगह पर गेट्स पर कि किसी को मौका ना मिले कि यहाँ पर सामान लेकर बाहर ले जाया जाए, तो एक अच्छी कार्रवाई देखा जाएगा तो की जा रही है। बहुत से लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि हम
बच बचा कर, अपने टैक्स बच बचा कर सामान जो है वो अपने घरों तक ले जाएं। लेकिन जहां तक हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, सीबीआई की बात करें, हमेशा ईमानदारी से काम करते आई है और एक मिसाल पैदा करती है, उसी तरीके से अब उन तमाम लोगों की खैर नहीं जो ये कोशिश करते हैं कि चलो बाहर से सामान मंगवाया, बिलिंग कर दी, 1 लाख रुपए की सामान मंगवा लिया 3 लाख रुपए का, तो ये कहीं ना कहीं अब नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीआई की जो पैनी नज़र है और अभी भी इसमें पार्सल ऑफिस के बाहर हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तसल्ली कर रहे हैं, बिलिंग जितनी भी बिलिंग जीएसटी बिल रहता है उसके साथ माल को मिलाया जा रहा है, कहीं पर क्वांटिटी ज़्यादा है कि कम है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। और वहीं पर अभी आप देखिए ये सीबीआई के तमाम अधिकारी जो हैं वो अपनी तसल्ली कर रहे हैं, और जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने अपने पास जब्त भी की हैं और इसकी जानकारी धीरे धीरे जो है सामने आएगी। लेकिन अब तक की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर ये है, एक्सक्लूसिव खबर ये है कि पार्सल ऑफिस के बाहर रेलवे स्टेशन के अंदर जो है लगभग 50 के आसपास जो है सीबीआई के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और फिलहाल तसल्ली की जा रही है जिस तरीके से इनके पास खबर आई थी कि बिलिंग ज़्यादा होती है, बिलिंग कम होती है, माफ़ कीजिएगा, और जो सामान है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो अब ये छानबीन जो है वो की जा रही है, एक एक पार्सल को खोला जा रहा है और जो जीएसटी बिलिंग है उसके साथ मिलाया जा रहा है, और ये भी सामने आ रहा है कि कुछ सामान को जब्त भी किया गया है। अब इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ ज़रूर होगी, लेकिन अभी तक की सबसे एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग ये है कि पार्सल ऑफिस जो रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर है वहाँ पर सीबीआई द्वारा रेड की गई है और तमाम पार्सल्स को खोल कर चेक किया जा रहा है, बिल के साथ मिलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनको खबर थी कि बिलिंग कम होती है, सामान ज़्यादा होता है, तो अब सीबीआई के लगभग 50 के आसपास जो जितने भी सीबीआई के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बिलिंग के साथ साथ जो है सामान को मिलाया जा रहा है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है कुछ सामान को जब्त भी किया गया है, और जाहिर सी बात है जिसका भी वो सामान होगा उसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जाएगा कि आखिरकार जीएसटी पे कर अगर आप बिलिंग करवाते हो और बिलिंग और माल के बीच में अंतर क्यों आ रहा है, तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। और फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर, पार्सल ऑफिस जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है वहाँ पर लगभग 50 के आसपास सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, फिलहाल रेड यहाँ पर चल रही है और अपनी तसल्ली की जा रही है कि जो भी माल बाहर से आता है उसकी बिलिंग के साथ बराबरी मेल मिलाप है या नहीं। लेकिन साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर, इनके तमाम अधिकारी तमाम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के गेट्स पर मौजूद हैं कि कोई भी बंदा यहाँ से हेर फेर करके सामान कहीं और ना लेके जाए, और इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है। मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़े उनको बताता चलूँ कि इस समय हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, पार्सल ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और सीबीआई के लगभग 50 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके पास खबर आई थी कि यहाँ पर जो है बिलिंग कम होती है लेकिन माल ज़्यादा मंगाया जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस समय सीबीआई के मौजूद हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी इस पे अपडेट होगा आप तक साझा करेंगे। खजाने को सीधा सीधा जो है वो चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो आज सीबीआई ने यहाँ पर रेड कर जो है भांडा फोड़ दिया है जीएसटी को लेकर। जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे पीछे आप विजुअल्स देख सकते हैं और विजुअल्स में सीबीआई के तमाम अधिकारी ना सिर्फ यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बात करें, इसके अलावा पार्सल ऑफिस के बाद यहाँ पर ही रेलवे स्टेशन के अंदर 3 से 4 जगह पर जो है सीबीआई ने रेड की है, और जो सरकारी खजाने को चूना लग रहा था उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए अभी आप विजुअल्स में देख सकते हैं तमाम सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, एक एक सामान की जो है वो चेकिंग की जा रही है और बिलिंग के साथ मिलाया जा रहा है। किस तरीके से जीएसटी बचाने के चक्कर में जो खेल रचा जाता था उस पर आज सीबीआई ने लगाम लगाई है। सीबीआई ने आज यहाँ पर
तमाम अधिकारी बुलाकर 3 से 4 जगह रेड की है। पार्सल ऑफिस की बात करें, जितने कोरियर जितना भी सामान बाहर से यहाँ पर आता था जम्मू में, किस तरीके से मात्र GST बचाने के चक्कर में किस तरीके से बिलिंग कितनी होती थी और कितना सामान आता था, इस चीज़ की जानकारी जब CBI को पहुंची तो CBI आज यहाँ पर सिविल में भी, जी हाँ, CBI आज सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर घूम रही थी। तमाम कॉरिडोर जितने भी यहाँ से बाहर जाते हैं, जितने दरवाजे यहाँ से बाहर जाते हैं, तमाम जगहों पर CBI के ऑफिसर्स मौजूद हैं। और ये ख्याल रखा गया था कि कहीं पर भी जो शरारती तत्व हैं, जो ये कोशिश कर सके कि यहाँ से सामान चोरी से बाहर निकाला जाए और CBI की आंखों के अंदर धूल झोंकी जाए, सामान बचाकर बाहर ले जाया जाए, ऐसा नामुमकिन हुआ। और CBI के तमाम ऑफिसर जो हैं, तमाम जगह जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर CBI के ऑफिसर मौजूद थे। और ये चीज़ का ख्याल रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से सामान ले जाकर बाहर ना ले जाए। और अभी भी आप हमारे पीछे, हम कोशिश करेंगे एक बार पीछे दिखाएं, टीम जो है यहाँ पर आई है और CBI द्वारा जो है ये लगभग जो है 45 से 50 मैम जो ऑफिसर्स की टीम है, अभी भी आप देखिए लगातार जो है ना सिर्फ यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ना ही पार्सल ऑफिस के बाहर, एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया है। अगर देखा जाए सरकारी खजाने को सीधा चूना लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, आज CBI की टीम यहाँ पर पहुँची है और तमाम सामान की चेकिंग हो रही है। तो ये आप चीज़ें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बिलिंग के साथ मैच किया जा रहा है। एक एक कोरियर को जितना भी कोई सामान बाहर से आया उसको कॉल कर तसल्ली की जा रही है कि बिलिंग के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कामयाबी से मानूंगा CBI की तरफ से, क्योंकि ये जो रेट रहती है और जिस तरीके से रेट यहाँ पर पड़ी भी है और इसकी जानकारी हालांकि काफ़ी एक गोपनीय रखी जाती है जब रेट पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, बिलिंग चेक की जा रही है और जो सरकारी खजाने को जो चुना लगता था वो कहीं ना कहीं एक, और CBI की बात करें जितने भी एंट्री एक्सिट पॉइंट है वहाँ पर तमाम CBI के अफसर मौजूद थे। और मैक्सिमम आपको मालूम है कि CBI का अफसर जो है वो सिविल में रहते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। और अभी मैं चाहूँगा कि आप देखिए विजुअल्स में, और तो अभी आप देखिए ना सिर्फ CBI की बात करें, सेल टैक्स की बात करें तो उनके भी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रेट किया है CBI ने पूरी टीम के साथ इकट्ठे होकर, हालांकि सेल टैक्स का एक बहुत सेल टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरी कोशिश की गई कि जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर जो है तमाम CBI के ऑफिसर्स खड़े कर दिए गए। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि CBI के ऑफिसर मैक्सिमम जो है वो सिविल में रहते हैं और किसी को पहचान में भी नहीं आते कि CBI ऑफिसर है या एक आम इंसान है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि यहाँ से सामान को बाहर ना ले जाया जाए। तो एक सरकारी खजाने को बहुत बड़ा चुना लग रहा था जिसकी बनक जिस तरीके से CBI को पहुंची और पूरी टीम यहाँ पर लगभग 50 से 55 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंचती है। ना सिर्फ CBI की टीम की बात करूँ, सेल टैक्स की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है और एक एक कोरियर को खोला जाता है और बिलिंग चेक की जाती है कितना सामान उसमें है, बिलिंग कम है सामान ज़्यादा है, इस सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और जो हमारे पास सोर्सेज आ रहे हैं, कई जगह ऐसा देखने को मिला कि बिलिंग और सामान में जो है हेरफेर नजर आई और उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर कि ये जो GST को लेकर जो एक माया जाल सा था उसका भंडाफोड़ किया है आज CBI ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में, और जो सरकारी खजाने को चूना लग रहा था वो अब इस रेड के बाद जो है वो शायद अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जगह नहीं, पार्सल ऑफिस के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाद और इसके अलावा 2 से 3 जगह और इसी तरीके से तमाम पार्सल को चेक किया जा रहा है, तमाम कोरियर को चेक किया जा रहा है, सेल टैक्स के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है, एक एक बिल को जो है सामान के साथ मिलाया जा रहा है और साथ ही साथ हर जगह एंट्री एग्जिट पॉइंट में CBI के ऑफिसर मौजूद है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से सामान लेकर बाहर ना जा सके। जिस तरीके से हम आपको लेके गए थे पार्सल ऑफिस के बाहर, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी CBI के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है एक एक सामान को खंगाला जा रहा है, बिल के साथ मिलाया जा रहा है, तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये एक बड़ी सूचना जो यहाँ पर लगातार कंप्लेन जो है वो CBI को पहुँच रही थी और आज CBI ने यहाँ पर जो है अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 50 के आसपास जो हैं CBI के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक सामान आप देखिए किस तरीके से, आप देखिए वहाँ पर सामान को खोला जा रहा है, अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो है बिल के साथ मिलाया जा रहा है, हाथों में आप देखिए
मैं चाहूँगा थोड़े से इधर आके बताना चाहूँगा कि हाथों में आप देखिए फाइल पकड़ी है, बिल पकड़े हुए हैं और ये चीज़ें, ये देखिए, अब ये साथ साथ मिलाया जाए, ये सामान आप देखिए विजुअल्स में आप किस तरह के सामान को टैली किया जा रहा है और कितना सामान आपके बिल पे है, ये तमाम चीज़ों को जो है टैली किया जा रहा है। और इसी तरह के विजुअल्स हमने आपको बताए थे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जो पार्सल ऑफिस है उसके बाहर के, वहाँ पर भी इस तरीके से जो है बिलिंग वगैरह चेक की जा रही थी। अभी भी देखिए सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ पर खोल के रखा गया है एक एक चीज़ को जो है, हालाँकि कहाँ से सामान आ रहा है और कितना सामान आ रहा है बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी जो है जो CBI को पहुँचती है कि देखिए बिलिंग कहीं ना कहीं कम होती है और सामान ज़्यादा होता है। अब ना जाने किस तरीके से वो यहाँ से अपने दुकानों तक जो है वो सामान लेके जाते हैं, क्या ये पूरा मामला है, ये तमाम चीज़ें CBI के नोटिस में थी। और आज CBI की लगभग 50 से ज़्यादा ऑफिसर CBI के यहाँ पर पहुँचे हैं और पार्सल ऑफिस के साथ साथ जो है यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल के साथ जो है सारा सामान मिलाया जा रहा है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो सरकार को टैक्स पेयर जो टैक्स देता है, तो कहीं ना कहीं उस टैक्स को बचाने के चक्कर में कई बार लोग क्या करते हैं कि बिलिंग कम करवाते हैं, सामान ज़्यादा आ जाता है। तो ये जानकारी जो है CBI के अधिकारी को जैसे पहुंचती है तो लगभग 50 के आसपास जो हैं तमाम CBI ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी ना सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात करें, इसके अलावा जो पार्सल ऑफिस हमने आपको पीछे बताया वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है वो एक एक जो बॉक्स है बिल के साथ उसका सामान मिलाया जा रहा है कि कितनी बिलिंग हुई है और कितनी बिलिंग पर आपने, ऑब्वियसली बात है कि GST भी दिया होगा और जब GST दिया होगा बिलिंग बराबर होगी। अगर वहाँ पर देखा जा रहा है कि 1.5 लाख की बिलिंग है या 2 लाख की बिलिंग है, क्या सामान भी उतना है या सामान उससे ज़्यादा है, तो इस चीज़ की जो है छानबीन की जा रही है। और उसी चीज़ को लेकर पार्सल ऑफिस के बाहर भी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर भी जो है तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं टीम जो है एक साथ इकट्ठे होकर एक सबसे पहले एक कोई जो बाहर से लगेज जो कोरियर आता है उसको खोलकर चेक किया जाता है और कोरियर के बाद जो है वो बिल, जो कोरियर के बीच में बिल लगा होता है उस बिल को निकाल कर, अब देखिए तमाम, मैं चाहूँगा थोड़े से यहाँ पर कोरियर की तरफ इशारा करें, कोरियर के बीच में जो बिल लगा होता है बिल को खोलकर और सामान मिलाने का प्रयास कितनी क्वांटिटी का आया, तो ये तमाम विजुअल्स जो हैं आप देख सकते हैं कि CBI की टीम यहाँ पर तसल्ली कर रही है। और ये जो बिल हर एक कोरियर के साथ आता है तो उसके साथ माल मिलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ये एक देखा जाए कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि बिलिंग जो है वो कम रहती है और सामान ज़्यादा मंगवाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए यहाँ पर, मैं चाहूँगा एक यहाँ पर भी एक वो है, इस पर आप देख रहे होंगे कि बिल लगा होगा सारे, हर एक पे जब भी आप कोरियर मंगवाते हैं तो एक बिल साथ में अटैच्ड होता है, जैसे इन्वॉइस नंबर जैसे हम कैसे कहते हैं, तो ये तमाम इन्वॉइस इनके ऊपर चिपके हुए हैं, कहाँ से आया है सामान, कितना आया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देखिए कि बाय ट्रेन जितना सामान आता है, पार्सल ऑफिस के बाहर भी हमने देखा CBI के तमाम ऑफिसर मौजूद थे और यहाँ पर भी हमने देखा CBI यहाँ पर मौजूद है और बिल के साथ सामान को मिलाया जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी का सामान आपने मंगवाया है, क्या वो बिल से मैच करता है या नहीं करता है, या फिर बिलिंग ज़्यादा है, बिलिंग कम है और सामान ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं CBI के ऑफिसर इस समय अपनी तसल्ली कर रहे हैं। और हमारे सूत्रों की मान के चलें तो पार्सल ऑफिस के बाहर, पार्सल कार्यालय के बाहर और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जो छानबीन की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आप एक किस्म से ये कह सकते हो कि रेड जो CBI द्वारा की गई है ये जानने के लिए कि क्या बिलिंग कम और सामान ज़्यादा है, वो ऑफिसर्स लगभग 50 के आसपास ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर भी और पार्सल ऑफिस के बाहर भी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जितने भी रास्ते यहाँ से बाहर के जाते हैं वहाँ पर भी CBI के ऑफिसर्स मौजूद हैं ताकि कोई सामान की हेराफेरी कर यहाँ से बाहर ना ले जा सकें। और हमारी जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक बहुत सा सामान जो है उसमें फ़र्क भी नज़र आया है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, CBI उसकी भी जांच कर रही है। जो भी इसको लेकर और अपडेट आएगा तो हम आप तक साझा ज़रूर करेंगे, लेकिन एक काबिले तारीफ काम जो मैं कहूँगा CBI ने आज रेड की है और जो पार्सल ऑफिस है उसके बाहर जितना भी सामान लगेज इस बार से आते हैं, जितने भी कोरियर बार से आते हैं, उसकी बिलिंग के साथ जो है बिल्कुल टैली किया जा रहा है कि बिलिंग कम और सामान ज़्यादा तो नहीं है। तो उसी चीज़ की जो पार्सल ऑफिस के बाहर हो रहा था वही यहाँ पर
प्लेटफॉर्म वन पे हो रहा है अभी बिल के साथ सारा सामान जो है तालमेल किया जा रहा है कि ये बराबर है कि नहीं है, और साथ ही साथ तमाम गेट्स पर जो है सीबीआई के ऑफिसर्स खड़े हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से चोरी छुपे जो है सामान यहाँ से बाहर लेके ना जाए, बाहर ना ले जाए, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कुछ लोगों के बिलिंग कम भी थी और जिसका सामान ज़्यादा था उनके उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन लगभग 50 के आसपास सीबीआई ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर रेड की है। जो भी इसमें आगे अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जुड़े बहुत के साथ श्याम जिस्ता, राहुल खत्री, बहु एस एस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।